Dear students, good morning. Now, our next topic is the aquatic or water plants. ये हमारे chapter 2 का part 2 है, हम लोग revision कर रहे हैं. इसके पहले हम लोगों ने plant habitat में ही terrestrial plants को देख लिया है. Terrestrial plants means land plant. ऐसे plant जो कहाँ grow करते हों, land पे, ज़मीन पे grow करते हैं. तो उनके बारे में हमने देख लिया था, वो 5 types के थे, सबको describe कर लिया है इसके पिछले वीडियो में. आज हम देखेंगे एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में. तो एक्वाटिक प्लांट्स मीन्स प्लांट्स दैट लिव इन वाटर और दैट ग्रो इन वाटर. इसीलिए इसको हम और किस नाम से जानते हैं, वाटर प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं. एक्वाटिक प्लांट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. फर्स्ट इज फ्लोटिंग प्लांट्स, सेकेंड इज फिक्स्ड प्लांट एंड थर्ड इज अंडर वाटर प्लांट्स. जैसा कि इनके नेम से ही क्लियर लग रहा है, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मीन्स तैरने वाले, एंड फिक्स्ड, फिक्स्ड मीन्स एक जगह फिक्स हो, एंड अंडर वाटर मीन्स पानी के अंदर रहने वाले. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट फ्लोटिंग प्लांट. फ्लोटिंग प्लांट्स इट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. मैंने पहले ही बताया कि नाम से क्लियर है कि ये क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं वाटर के सरफेस लेवल पे. अब चूंकि तैरते हैं तो कोई भी चीज़ क्यों तैर पाता है, क्योंकि उनकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, लाइट एंड स्पंजी होनी चाहिए. कोई भी चीज़ हल्की होगी तभी तो वो तैर पाएगी. जैसे सपोज करो कि अगर एक किल है तो किल क्या पानी में तैर पाएगा, वाटर में नहीं तैर पाएगा, क्योंकि वो हैवी होता है. तो इसलिए जब बॉडी फ्लोट कर रही है मीन्स इनकी बॉडी कैसी होगी, लाइट एंड स्पंजी हो जाएगी. अब चूंकि ये फ्लोटिंग है तो स्टेम्स आर रिड्यूस्ड, मीन्स स्टेम्स बहुत लंबे लंबे नहीं होंगे, छोटे छोटे स्टेम्स होंगे. रूट्स आर नॉट वेल डेवलप्ड, रूट भी बहुत डेवलप नहीं होंगे. द लिप्स हैव ए थिन वैक्सी कोटिंग, इनके लिप्स के ऊपर एक थिन वैक्सी कोटिंग होती है जो इनको क्या करती है, वाटर से गीले होने से बचाती है और स्टोमेटा को ब्लॉक होने से रोकती है. द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस. स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, अपर सरफेस पे, मीन्स ऊपर की साइड पे. प्रोटेक्ट स्मॉल इंसेक्ट्स फ्रॉम द हॉट सन. ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं, ये स्मॉल इंसेक्ट्स को हॉट सन से प्रोटेक्ट करते हैं. चूंकि ये फ्लोटिंग है पानी की सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे तैरते रहते हैं, तो इनके नीचे क्या करते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स रह पाते हैं, वो धूप से बच पाते हैं. इनके एग्जांपल क्या क्या हैं, डकवीड, वाटर लेट्यूस एंड वाटर हायसिंथ. ये किसके एग्जांपल है, फ्लोटिंग प्लांट्स के एग्जांपल हैं. नाउ नेक्स्ट इज द फिक्स्ड प्लांट. फिक्स्ड प्लांट जैसा कि नाम से क्लियर लग रहा है कि एक जगह क्या होगा, फिक्स्ड होगा. और ये कहाँ ग्रो करते हैं, मडी बैंक्स आर इन सैलो वाटर, मीन्स जहाँ पे दलदल भूमि हो या रुका हुआ पानी हो, ऐसी जगहों पे ग्रो करते हैं फिक्स्ड प्लांट. हैव लॉन्ग हॉलो स्टेम एंड ब्रॉड लीव्स. इनकी स्टेम्स बहुत लंबे होते हैं और हॉलो मीन्स बीच में खाली होते हैं, खोखले, पाइप के जैसे. और इसके लीव्स जो है ये बहुत बड़े बड़े होते हैं जो कि इनको तैरने में हेल्प करते हैं. एंड स्टोमेटा ओनली ऑन द अपर साइड. स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ अपर साइड में. हमने यही चीज़ फ्लोटिंग प्लांट्स में भी देखा था. प्रोवाइड ए नेस्टिंग प्लेस फॉर सम टिनी बर्ड्स. ये कुछ टिनी बर्ड्स के लिए नेस्टिंग प्लेस का भी वर्क करते हैं. जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या है फिक्स्ड प्लांट के, वाटर लिली एंड लोटस. तो हमने दो देख लिया. फर्स्ट हमारा रहा फ्लोटिंग प्लांट्स, ये वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं. अब फ्लोट करने तो इनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ये कैसे होंगे, लाइट एंड स्पंजी होंगे, स्टेम रिड्यूस होगा, रूट नॉट डेवलप्ड होंगे, एंड वैक्सी कोटिंग पाई जाएगी इनके लिप्स पे, और स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होगा, अपर सरफेस पे प्रेजेंट होगा. And they protect the small insect from the sun. इनके example, duckweed, water lettuce and water hyacinth. Same इसी तरीके से हमारा fixed plant है, ये कहाँ grow करते हैं,
मडी बैंक्स में या फिर शैलो वाटर में। और इनके लिप्स क्या होते हैं, चौड़े चौड़े होते हैं जो इनको तैरने में हेल्प करते हैं। इनकी स्टेम कैसे होंगे, लॉन्ग एंड हॉलो, लंबे होंगे लेकिन हॉलो होंगे, मीन्स बीच में होल होगा। स्टोमेटा ओनली ऑन द अपर सरफेस जैसा कि हमने पहले ही देखा है। एंड इट प्रोवाइड ए नेस्टिंग प्लेस फॉर सम टीनी बर्ड्स, कुछ टीनी बर्ड्स के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, नेस्टिंग प्लेस प्रोवाइड करते हैं। इनके एग्जाम्पल वाटर लिली एंड लोटस। नाउ नेक्स्ट इज द अंडर वाटर आर सबमर्ज प्लांट, जैसा कि नेम से क्लियर है, अंडर वाटर मीन्स पानी के अंदर, सबमर्ज मीन्स होता है डूबा हुआ। ग्रो अंडर द वाटर, ऐसे प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं, अंडर द वाटर पानी के अंदर। लिप्स आर नैरो एंड हैव नो स्टोमेटा, इनके लिप्स बहुत ही पतले होते हैं और वहाँ पे कोई स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता। ध्यान रखिएगा कि अभी तक हमने दो का देखा था कि उनके लिप्स कैसे होते हैं, लिप्स पे स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, अपर सरफेस पे, बट अंडर वाटर प्लांट में स्टोमेटा अब्सेंट है। रूट्स रिमेन फिक्स्ड इन द सॉयल, लेकिन रूट इनका क्या है, फिक्स्ड है सॉयल पे। स्टेम्स आर वेरी डेलिकेट एंड फ्लेक्सिबल ड्यू टू एयर स्पेसेस, इनकी स्टेम में एयर स्पेस पाए जाते हैं जिसकी वजह से इनका स्टेम कैसा होता है, फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला होता है। लचीला होने का क्या रीज़न है, अगर वो लचीला नहीं होगा तो वो वाटर के करेंट के साथ टूट जाएगा, इसलिए लचीला रहता है ताकि ये वाटर के करेंट से टूटने ना पाए। The stems and leaves flow with the water current, और ये water current के साथ बहते रहते हैं, बहते हुए आपको दिखाई देंगे। Breathe through their body surface, अब चूंकि इसमें स्टोमेटा नहीं होता है लिप्स में, तो ये कैसे ब्रीदिंग करते हैं, थ्रू द बॉडी सर्फेस, अपने बॉडी सर्फेस के थ्रू ये ब्रीदिंग करते हैं। सच प्लांट्स क्लीन वाटर बाई रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाई एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स मीन्स ऐसे एनिमल्स जो वो कहाँ रहते हो, वाटर में। एक्वा मीन्स हमने पहले ही बताया है वाटर, तो एक्वाटिक एनिमल्स मीन्स जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं। चूँकि हमको पता है कि एनिमल्स जब ब्रीदिंग करते हैं तो वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वहाँ पे हमने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो इसी तरीके से ये जो अंडर वाटर प्लांट है या सबमर्ज प्लांट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से लेते हैं और उसमें ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे वो वाटर क्या होता है, क्लीन हो जाता है। इसीलिए ऐसे प्लांट को एक्वेरियम में रखा जाता है। इसका एग्जांपल है हाइड्रिला एंड टेबग्रास। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एक्वेरियम में कौन से प्लांट रखे जाते हैं और क्यों रखे जाते हैं, उसका क्या रीज़न है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट, सम स्पेशल प्लांट्स, कुछ स्पेशल प्लांट भी है हमारे इस चैप्टर में। जैसे फर्स्ट है नॉन ग्रीन प्लांट्स, नॉन मीन्स नहीं, ग्रीन मीन्स ग्रीन कलर, मीन्स ये ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। अब ग्रीन कलर नहीं है मतलब क्या है, वहाँ पे क्लोरोफिल अब्सेंट है, मीन्स दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जब क्लोरोफिल ही नहीं है तो ये भोजन कैसे बनाएंगे, तो ये भोजन नहीं बना सकते हैं। अब जब भोजन नहीं बनाएंगे तो इनको भोजन मिलेगा कहाँ से, इनको भोजन मिलेगा डेड एंड डिकेइंग मैटर से। ये टर्म्स बहुत पूछता है कि नॉन ग्रीन प्लांट्स, ऐसे एग्जांपल दे देगा मशरूम, मोल्ड फंगस या सैप्रोफिटिक प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम, कि वो कहाँ से लेते हैं, वो लेते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर। और ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक प्लांट्स, जो अपना भोजन डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं, ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं सैप्रोफिटिक प्लांट्स। इनके एग्जाम्पल है मशरूम, मोल्ड्स एंड फंगस। नाउ नेक्स्ट इज द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, नाम से लग रहा है इंसेक्टिवोरस मीन्स इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट्स। ये प्लांट क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, मीन्स कीड़ों मकोड़ों को खाते हैं।
दे ग्रो इन सॉयल विच इज पुअर इन मिनरल्स. ये ऐसे सॉयल में ग्रो करते हैं जहाँ पे क्या होता है, मिनरल्स की कमी होती है. दे ईट इंसेक्ट टू गेट इनफ न्यूट्रिशन. तो अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं. चूँकि इंसेक्ट को खाते हैं इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट. अब इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पीचर प्लांट. वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है, इनके लीव्स जो है बिल्कुल ट्रैप की तरह होते हैं और जैसे ही उसमें कोई इंसेक्ट आएगा बैठेगा ये क्या करेंगे, अपने आप को स्नैप करके सेट हो जाएंगे. और जब ये सेट करेंगे और फिर उस पर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करेंगे और उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाते हैं. नेक्स्ट है पीचर प्लांट. ये पीचर की तरह स्ट्रक्चर होता है इनका. दे हैव हॉलो लिप्स आर फिल्ड विथ नेक्टर. इनके जो लिप्स होते हैं वो हॉलो होते हैं और उसमें नेक्टर भरा होता है. उसी नेक्टर के लालच में जो इंसेक्ट्स हैं कीड़े मकोड़े वहाँ पे जाते हैं और जब वो जाएंगे तो ये क्या करते हैं, तुरंत अपनी लीड को बंद कर लेते हैं और उनके ऊपर डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करके उनको डाइजेस्ट करके मतलब मीन्स डाइजेस्ट कर लेते हैं. तो ये रहा हमारा चैप्टर, सेकेंड कम्प्लीट हो गया रिविज़न में. अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज करके कमेंट करके ज़रूर बताएं. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें.